दोस्तों आज हम बनाएंगे एकदम रेस्टोरेंट जैसे आलू 65। अभी जैसे सिचुएशन है उसमें बाहर जाके कुछ खाना शायद सभी के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो आज की रेसिपी में एकदम रेस्टोरेंट जैसे टेस्ट का ही आलू 65 बनाएंगे, और वो भी एकदम सिंपल सी चीजों के साथ जो आप सभी के घर पर हमेशा मौजूद रहता है। और ये आलू 65 बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा आपको 15 से 20 मिनट तक ही समय लगेगा, तो आप जब भी चाहे ये टेस्टी आलू 65 को बना सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चैताली और आप देख रहे हैं स्वाद का खजाना। तो आइए शुरू करें बनाना। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। आलू को काट के पानी में रखे हैं ताकि ये काला ना पड़ जाए। और ये देखिए आलू को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के लिए है। और यहाँ पे मैंने पानी को उबाल लिए है। अब इस पानी में मिलाएंगे 1 छोटी चम्मच नमक और इन सारे आलू के पीसेस को भी इस पानी में डाल देंगे। और मीडियम फ्लेम पर इस आलू को 50% तक बॉईल कर लेंगे, पूरे बॉईल नहीं करना है। ये देखिए आलू आधे बॉईल हो चुके हैं। इसे हम काट तो सकते हैं लेकिन इजीली नहीं काट सकते। तो अभी आलू को छान के निकाल लेंगे और बॉईल नहीं करेंगे। अब इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसका कोटिंग करेंगे, लेकिन पूरा ठंडा नहीं करना है। अब इसमें मिलाएंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक, 4 बड़े चम्मच चावल के आटा और 4 बड़े चम्मच मैदा। अब चम्मच से ऐसे हल्के हाथों से सारे आलूओं को कोट कर लेंगे। ये देखिए आलू के पीसेस बहुत अच्छे से कोट हुई है। अब यहाँ पे मैंने तेल को हल्का सा गरम किए है। अब आलू के टुकड़ों को ऐसे सेपरेटली तेल में छोड़ देंगे। और लो फ्लेम पर आलू को क्रिस्प होने तक यानी हल्का सा कलर चेंज होने तक तल लेंगे। ये देखिए आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे तेल से निकाल लेंगे। और सेम ऐसे ही बाकी बचे हुए आलू के टुकड़ों को भी तल लेंगे। ये देखिए आलू कितने अच्छे से क्रिस्पी है और इसका कोटिंग देखिए कितने परफेक्ट है। एक दूसरे एक पैन में लेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। जिस तेल से हमने आलू को फ्राई किए थे वही से 3 बड़े चम्मच तेल हमने यहाँ पे लिए है। ये ऑलरेडी हल्का सा गर्म है, तो अब इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच राई, 2 ऐसे कटे हुए हरी मिर्च, 1 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए लहसुन, 1 छोटे चम्मच बारीक कटे हुए अदरक और मुट्ठी भर करी पत्ता। अब इन सारे चीजों को थोड़ा सा चला लेंगे ताकि तेल में सारे चीजों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच बारीक कटे हुए प्याज और प्याज को थोड़ा नरम होने तक भून लेंगे। ध्यान रखना प्याज को हमें पूरा कलर चेंज होने तक नहीं पकाना है। अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/2 कप से थोड़े ज्यादा दही। अब लो फ्लेम पर इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए थोड़े देर तक भून लेंगे, जब तक इससे तेल अलग होना शुरू होना जाए। ये देखिए तेल अलग होना शुरू हो चुका है। अब सारे फ्राई किए हुए आलू को इसमें डाल देंगे और अच्छे से मसाले के साथ आलूओं को कोट कर लेंगे। फ्लेम यहाँ पे भी लो ही रखना है। ये देखिए मसाला और आलू आपस में अच्छे से कोट हो चुके हैं और ये ड्राई भी हो चुके हैं। अब लास्ट में इसमें 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिला देंगे। तो दोस्तों बन गया हमारा रेस्टोरेंट जैसा आलू 65। अब इसे सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और कोई क्वेरी या सजेशन हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी बताना कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसे ही मजेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाले बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।
तो चलिए मिलते हैं अगले नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।